हेलो एवरीवन, फाइनली हम एग्ज़ाम सेंटर पे हैं और आज 24 अगस्त, आज 24 अगस्त का फर्स्ट सेट का एग्ज़ाम खत्म होने वाला है। जैसे कैंडिडेट बाहर आते हैं हम उनसे बात करके वो बताएंगे कि आज का एग्ज़ाम कल के मुकाबले कैसा रहा, हम एक एक करके बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कल के मुकाबले आज का पेपर टफ था या आसान था, या फिर क्वेश्चन का जो पैटर्न वो सेम है या फिर अलग है। फिर कुछ लोग से बात करते हैं, आपको बात करके बताते हैं कैसा रहा आज का पेपर। 120 प्लस के आपको मैथ या रीजनिंग किसमें कौन सा टफ लगा आपको? मैथ मतलब ज्यादा पढ़ी नहीं थी तो इसलिए नहीं किया और समझ मैथ में क्या क्वेश्चन छूटे आपके? तो इजी था, बहुत इजी था, पेपर इजी था। मैथ क्वेश्चन छूटे क्या आपके? मैथ के हाँ तो जाओ छूट गए, छूट गए। और रीजनिंग कैसा रहा? रीजनिंग अच्छी थी, रीजनिंग अच्छे थे जी। बस दो चार टफ थे, दो चार क्वेश्चन जो नहीं आ रहे थे बस। जो आपको टफ लगा रीजनिंग में वो किस टॉपिक से थे? टॉपिक इतना ज्यादा भी क्लियर नहीं हुआ यार, नहीं दिमाग नहीं। और हिंदी कैसा बना आपका? हिंदी बहुत अच्छी थी, हिंदी अच्छी बनी, 36 प्लस आराम। अच्छा, ओवरऑल आप पेपर का लेवल कैसा कहेंगे? इजी लेवल, इजी था, इजी था, इजी था, कल के जैसा ही था। हां कल के जैसा। अरे बहुत-बहुत धन्यवाद करेंगे आपका, थैंक यू। आए वालों से बात करते हैं। भैया एक मिनट, जैसा है सोसाइटी में कैसा हुआ यहां आपका? बढ़िया हुआ। कितना टाइम मारा आपने? कितना टाइम किया? 120। एक्यूरेसी कितनी हो सकती है? एक्यूरेसी कितनी होगी आपके साथ में? सही, पूरा सही है, बढ़िया। तो अच्छा, कुछ क्वेश्चन जो आपको टफ लगे हो रीजनिंग में? नहीं, सब नॉर्मल थे। ठीक, थैंक यू बात करने के लिए। खुशी कुमारी है। आप कहाँ से? मैं कृष्णा नगर में रहती हूँ। तो कैसा पेपर हुआ आपका? पेपर तो ठीक था, मतलब जितने मैंने करे हैं वो सारे, मतलब जो मुझे सही लगे मैंने तुक्का नहीं मारा बस। तो कितना टोटल अटेम्प्ट किया आपने? मैंने टोटल अटेम्प्ट किया है 120। जो मुझे सही लगा मैंने वही किया, जो मुझे गलत लग रहा था और जो मुझे नहीं समझ में आया था वो मैंने नहीं किया। अच्छा, मैथ में कुछ क्वेश्चन जो आपको ट्रिकी लगे हो? हाँ, मैथ्स तो मतलब मैंने बहुत सारे छोड़ ही दिए क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे यहाँ पे। तो ये 2 घंटे में सारा पेपर कर पाए या फिर कुछ छूटा? ज्यादा छूटा, मेरा छूटा भी है। अच्छा, क्लास में एब्सेंटीज भी थी? स्टूडेंट एब्सेंट भी थे? हाँ, मात्रा में एक बस गिनती के ज्यादा नहीं थे, थोड़े बहुत एब्सेंट थे, ज्यादा नहीं। और कुछ जो कल एग्जाम देने उनके कुछ कहना चाहेंगे क्या? वो करके आया था कि बेहतर? मैं ये कहना चाहूंगी उनको कि आप सबसे पहले मतलब क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा टाइम मत दो, जो नहीं आ रहा आपको आप सबसे पहले इजी सेक्शंस में जाओ जहाँ पे आपको तुरंत आंसर पता हो, मतलब कैलकुलेटर पे मत जाओ। सबसे वक्त ना लगे आपका पहले, ये बहुत धन्यवाद। भैया एक मिनट दीजिएगा अपना समय। भैया कैसा रहा एग्जाम आपका? सही है, सही रहा। नाम क्या अपना आपका? अमन सागर। कहाँ से? बरेली से। बरेली से। तो ओवरऑल पेपर कैसा रहा आपका? किस बार ओवरऑल पेपर कैसा रहा? इजी मॉडरेट कैसा रहा? सही रहा। कितना टाइम मारा था आपने? मैंने लमसम पूरे टाइम में हो पाया, लगभग पूरा किया। हाँ। अच्छा, इतने टाइम में पूरा क्वेश्चन बन पाया आराम से या फिर लगा के टाइम कम पड़ रहा है? ना, हो गया टाइम के अंदर, हो गया। आपने पहले से मॉक टेस्ट लगाए थे बहुत सारे? हाँ जी, मतलब मॉक टेस्ट लगाए, फायदा महसूस हुआ यहाँ पे? हाँ। अच्छा, क्लास में स्टूडेंट अब्सेंट भी कुछ थे? हाँ जी, अब्सेंट थे। अच्छा अच्छा, कुछ ऐसा कुछ जो स्टूडेंट कल एग्जाम देने वाले उनके कुछ कहना चाहेंगे क्या करके आते हैं बेहतर हो? वो यही कहना चाहेंगे कि वो अच्छे से तैयारी करके आए, उसी हिसाब से रिवीजन और प्रैक्टिस करके अच्छे से आए। ठीक है, धन्यवाद।